हेलो, आप देख रहे हैं मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभव। इन दिनों इंटरनेशनल फंड्स काफी चर्चा में है। इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं कि उनको अगर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करना है, एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देना है, तो इंटरनेशनल फंड अच्छे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप पहले से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करते आ रहे हैं तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो जो इंटरनेशनल कंपनियों के शेयर्स में निवेश करते हो। तो ऐसे में क्या आपको इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फंड लेना चाहिए? इसी सवाल का जवाब आज देंगी प्रबलीन वाजपेयी। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रबलीन है फाउंडर फिनफिक्स की, और इंटरनेशनल फंड के इस एस्पेक्ट को आज हम समझने वाले हैं प्रबलीन से। हेलो प्रवलीन, थैंक यू सो मच आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल जो मैंने अपने इंट्रो में उठाया कि अगर आपके पास इक्विटी फंड्स हैं जिनका एक्सपोजर इंटरनेशनल फंड्स में है या इंटरनेशनल कंपनियों के स्टॉक्स में है, तो क्या एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फंड ऐसे निवेशक को लेना चाहिए? Hi Priyanka, thanks for having me over. बिल्कुल Priyanka, in fact I'll start off by saying कि शायद काफी ऐसे investors हों जो regular, you know, अपने Indian mutual funds में, equity mutual funds में invest करते हैं, and maybe they are not even fully aware कि शायद उसमें से कुछ component उनका बाहर की markets में invest हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर वो अवेयर हैं तो डेफिनेटली तो भी उनको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है प्रियंका, बिकॉज लॉट ऑफ इक्विटी फंड्स इन इंडिया, इनका 5-30% एलोकेशन बाहर की कंपनीज में हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सेम कैटेगरी के हैं, वैल्यू फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मिड एंड लार्ज कैप का है, टेक्नोलॉजी फंड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी इन्वेस्टर के पास 2 या 3 इस टाइप के फंड्स हों। सो ओवरऑल देखते हुए देन ये डिसाइड होगा कि उनको एक अलग से चाहिए या नहीं। बट अगर किसी इन्वेस्टर को ब्रॉडली मीनिंगफुल एक्सपोजर बाहर के मार्केट्स में चाहिए, अपने पसंद की ज्योग्राफी में चाहिए, कंपनीज में चाहिए, थीम में चाहिए, देन आई वुड से यस, डेडिकेटेड इंटरनेशनल फंड की रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होगी। तो आप कहेंगी कि अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूदा फंड में है इंटरनेशनल एक्सपोजर, तब भी आपको इंटरनेशनल फंड शामिल करना चाहिए। तो किस स्थिति में आप निवेशक को सलाह देते हैं कि आप इसको भी ऐड कीजिए? कितना उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो इंटरनेशनल फंड की तरफ हो सकता है, इंक्लूडिंग ये डोमेस्टिक फंड जिसमें ऑलरेडी, जैसे पराग पारिक है, बहुत ही पॉपुलर फंड है, इसका जो है हम देखते हैं इसका निवेश है ग्लोबल बाजार में, आपने बताया DSP का वैल्यू फंड है, कोटक के भी फंड में है, तो आप कब बोलते हैं कि आप इंटरनेशनल फंड के लिए एक अलग से फंड भी लीजिए? Absolutely. See, Priyanka, what happens is कि हमें overall allocation देखना है portfolio के हिसाब से। So let's say किसी investor का requirement है कि उनका 20% तक overall allocation बाहर की companies में हो सकता है या geographies में हो सकता है, not necessarily कि इनमें से कोई fund उनके पास हो उसके उसका एक्सपोजर 20% बन रहा हो। बिकॉज लेट्स से मैंने ₹10,000 लगाए हैं महीना, अगर मैं लगा रही हूँ लेट्स से SIP है मेरी पराग पारिक में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो अल्टीमेटली उसका सर 30%, यानी कि एक तरीके से आप देखो 10,000 का 30%, ₹3,000 ही मेरे बाहर की मार्केट्स में लग रहे हैं, तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है वो शायद उतना हाई ना हो। सो इवन व्हेन यू हैव अ फंड जिसका कुछ कंपोनेंट बाहर इन्वेस्ट हो रहा है, डेडिकेटेड फंड लिया जा सकता है। एंड ऑल्सो प्रियंका, से जब आपका कोई रेगुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो बाहर पैसा लगा रहा हो, वहां पे आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको चाइना में ही पैसा लगाना है या आप US में लगाना चाहते, बिकॉज इट्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर कि वो कहाँ लगाना चाहते हैं। सो एंड इट्स अ वेरी, यू नो, बहुत ही वेरिड चॉइस है इन पर्टिकुलर जो ये जितने फंड्स हैं, जो इक्विटी फंड्स है जो बाहर पैसा लगा रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन, यू नो, क्राइटेरिया कि वो कैसे लगाना चाहते हैं। कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनने सिर्फ 5 स्टॉक्स उठाए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाहर के एक म्यूचुअल फंड में 10% का एक्सपोजर लेते हैं। सो इट्स अ वेरी हिटरोजीनियस चॉइस। सो अल्टीमेटली द डिसीजन इज बेस्ड ऑन, यू नो, ईच पोर्टफोलियो क्यों कैसा है, क्या कंस्ट्रक्शन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई थिंक इन कॉम्बिनेशन अ डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड कैन बी एडेड बेस्ड ऑन द गोल्स ऑफ द इन्वेस्ट एंड टाइम प्राइस। वैसे एक आइडियल थंब रूल आप क्या देती हैं प्रबलीन, इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कौन सा वो निवेशक है जिसको करना चाहिए? क्या सभी तरह के निवेशक जो है, अगर किसी का टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म के लिए है तो क्या उसके लिए भी आप इंटरनेशनल फंड सजेस्ट करती हैं? तो एक तो थंब रूल बताइए और टाइम होराइजन के हिसाब से किसे सजेस्ट करती हैं? शॉर्ट टर्म तो आई वुड से नो प्रियंका, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज इक्विटीज, एंड इक्विटीज का जब भी हम टाइम होराइजन लेके चलते हैं इट शुड बी लॉन्ग
the longer term. So I would say minimum 5 years and plus ka horizon ho, to hi aap bahar ke markets mein lagaiye paisa. Also because jo pure dedicated bahar ke funds hai, unka taxation different hota hai. So as it is, you know, prior to 3 years, the taxation aapka pura kuch add ho jayega aapke tax slab ke hisab se. So it's not viable, to invest. So I would say the horizon has to be long. Overall, hum log bolte hain ki 10 to 25% ho. And isme bhi Priyanka, let's say somebody is holding, you know, I'll give an example. Suppose kisi ne ye fund rakha hua hai, SBI Technology Opportunities Fund. Now it is broadly a sectoral fund. So ek Indian investor ka bhi probably sectoral fund mein allocation kam hoga. Uska ek certain component 18 se 20% bahar ki markets mein ja raha hai. एक बार वो समझ लें कि ओके दीज आर द फोर स्टॉक्स, जैसे ये फंड चार बाहर की कंपनीज में पैसा लगाता है, विच इज अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल काइंड ऑफ एन एक्सपोजर. सिर्फ नेटफ्लिक्स, यू नो, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट एंड नवाइदा में इनका एक्सपोजर है. सो उन चार कंपनीज का एक्सपोजर डेफिनेटली मैं बोलूंगी कम है अगर आप एक्चुअली में बाहर की मार्केट्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो. So for such an investor, it will make sense कि वो एक कॉम्बिनेशन में देखें कि एक डेडिकेटेड फंड अपना ऐड कर लें. But time horizon has to be long and definitely allocation around 25% तक cap कर ले, because कई बार हम लोग थोड़े पुराने returns को देख के investors लगाना चाहते हैं. So एक understanding real reason for them to, you know, invest should be diversification and benefit from the rupee depreciation जो हम लोगों ने पीछे देखी है, not necessarily हर साल हो, but rupee जब जब weak होता है वो benefit करते हैं. So जो बेसिक क्राइटेरिया है वो माइंड में डेफिनेटली टू रिड्यूस वोलेटिलिटी एंड यू नो टू बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. ओके प्रवीण, अगर किसी के पोर्टफोलियो में ऐसे इक्विटी फंड्स हैं जिसका ग्लोबल एक्सपोजर है और डेडिकेटेड फंड भी हैं, दोनों अगर किसी के पोर्टफोलियो में हैं और कोई इसे शामिल करना चाहता है, तो उन्हें आप क्या सलाह देती हैं, क्या बैलेंस रखें इन दोनों के बीच में? अगेन प्रियंका, जब हम इक्विटी फंड्स की बात करते हैं कि जो बाहर पैसा लगा रहे हैं, यू नो द एलोकेशन वेरीज फ्रॉम 5 to 30%, जैसे मैंने बताया. पर आप पा रहे कि बहुत पॉपुलर फंड है जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, एंड यू नो एज आई मेंशनड अर्लियर, ऐसे भी फंड्स होंगे जिनका इन्वेस्टर्स को खुद ही नहीं पता कि ओके सर्टन कॉम्पोनेंट इज बीइंग इन्वेस्टेड अब्रॉड. सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगेन प्रियंका, इट हैज टू बी गुड कि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग ना हो इन्वेस्टर्स के लिए. अगर दोनों टाइप के यू नो फंड्स को रखा हुआ है, सो ओवरऑल आई वुड से फिर जितनी ब्रॉडर मार्केट्स को कैप्चर कर सकते हैं, जितनी ब्रॉडर थीम्स कैप्चर कर सकते हैं, एंड उनको फिर परसेंटेज वाइज अपना ओवरऑल एक्सपोजर देखना पड़ेगा कि दिस इज द अमाउंट दैट आई एम गेटिंग थ्रू एन इक्विटी फंड, सर्टेन पार्ट ऑफ एक्सपोजर, एंड कितना एक्सपोजर उनको डायरेक्ट फंड के थ्रू मिलेगा. सो इन दोनों चीजों में अल्टीमेटली थोड़ा सा उनके जो भी एडवाइजर हो, जिससे भी सलाह लेते हो, आई वुड से एक फैक्टशीट खोलने की जरूरत है. कौन सी ज्योग्राफी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है, कौन से स्टॉक्स. सो ओवरऑल एक्सपोजर हैज टू बी सीन, वेदर इट इज वाया डेडिकेटेड पोर्टफोलियो, इट इज वाया मल्टीपल डोमेस्टिक फंड्स एज वेल. सी एज आई मेंशनड, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज यू नो ऑल दीज फंड्स जो थोड़ा थोड़ा बाहर पैसा लगाते हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट थीम्स. एंड ऐसा हो सकता है कि आप और मैंने खुद उठाए हो कि अच्छा मेरे को एक वैल्यू फंड चाहिए, तो मैंने डीएसपी के वैल्यू फंड में भी पैसा लगाया, वो भी थोड़ा बाहर पैसा लगाता है बिकॉज आई नीडेड अ सेक्टोरल फंड, मैंने एक ऐसा सेक्टोरल फंड उठा लिया जो थोड़ा पैसा बाहर लगाता हो. ओवरऑल पोर्टफोलियो डेफिनेटली चेक करें बिकॉज ऐसा ना हो कि और ओवरलैपिंग का ख्याल रखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा. आप पहले देखिए आपके फंड्स का कितना एक्सपोजर, ऐसा ना हो कि वो सेम ही थीम्स में इन्वेस्ट करो और आप एक इंटरनेशनल फंड भी उसी थीम का उठा लें, तो डाइवर्सिफिकेशन तो मिलेगा ही नहीं आपके पोर्टफोलियो में. प्रवीण, टैक्सेशन जरा समझाइए, क्योंकि क्या टैक्सेशन में इसका क्या असर पड़ता है? जब हम लोग एक डोमेस्टिक इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं प्रियंका, सो इवन अगर वो 30% तक या 35% तक आउटसाइड ऑफ यू नो इंडिया पैसा लगाती है, उनका रेगुलर टैक्सेशन होता है जैसे किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का होता है, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग द 65% जो उनका इन्वेस्टेड रहना चाहिए इंडिया में. सो यानी कि अगर उनने एक साल से पहले पैसा निकाल लिया तो वॉट एवर जो भी उनका प्रॉफिट होगा वो 15% पे टैक्स हो जाएगा, एंड अगर उनने एक साल के बाद पैसा निकाला तो ऑन अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज वो 10% का टैक्सेशन देंगे. दैट्स फॉर द रेगुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. जितने भी ग्लोबल फंड्स हैं, चाहे आप एफओएफ के थ्रू लगाएं पैसा या आप यू नो किसी एक्टिवली मैनेज्ड ग्लोबल फंड के थ्रू पैसा लगाएं,
इन सारों का टैक्सेशन एज पर डेट होगा। एज पर डेट मतलब कि आपने अगर 3 साल से पहले अपना पैसा निकाल लिया तो जो भी आपका प्रॉफिट है, लेट्स से आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा एंड देन इट विल बी टैक्स्ड। एंड अगर आपने 3 साल तक पैसा रखा देन इट विल बी बेस्ड ऑन इंडेक्सेशन, आपने किस साल में किस महीने में जैसे पैसा लगाया है एंड आपने कितना यू नो हाउ मेनी फाइनेंशियल इयर्स वर यू एबल टू कवर, और जब आप पैसा निकाला है उस साल में आपके 3 साल जब हो जाएंगे तो इंडेक्सेशन को हम यूज करके आपकी टैक्सेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है, उस आधार पे फैसला लेना है। पर प्रवीण, इंटरनेशनल फंड को चुनने के पहले वो कौन सी बातें हैं जो आप कहती हैं कि इन चेक बॉक्सेस पर आपको टिक लगाना चाहिए और तभी इंटरनेशनल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, एक और चीज यहाँ पे समझने की है कि यू नो जब हम ग्लोबली पैसा लगा रहे हैं, वी आर आल्सो लुकिंग टू डाइवर्सिफाई और गेट यू नो एक्सपोजर टू द डिफरेंट मार्केट्स व्हिच आर आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहला जो उनको समझने का है कि वो शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत थोड़ी सी यू नो डोमिनेंट मार्केट्स जैसे हो गई, अमेरिका हो गया, उनसे शुरुआत करें एंड देन बाहर के पोर्टफोलियो को भी एक थोड़ा सा कोर इन सैटेलाइट की तरह मैनेज करके चले। सो द डोमिनेंट पोर्टफोलियो शुड बी इन यू नो बिगर मार्केट्स, डोमिनेंट मार्केट्स एंड मे बी द सैटेलाइट पोर्टफोलियो। चाइना ऑफकोर्स इज अ वेरी बिग मार्केट, बट क्योंकि वहाँ के अपने एक तरीके की रेगुलेटरी रिस्क है, सो उस टाइप की कंट्रीज में आप एक्सपोजर थोड़ा कम रखिए लाइक सैटेलाइट। सेकेंड जो एक चीज बहुत ज्यादा समझने की प्रियंका कि यहाँ पे आपका सी करेंसी फ्लक्चुएशन विल ऑलवेज हैव एन इम्पैक्ट। रुपी डेप्रिशिएट होता जरूर आया है बट पिछले 10 साल में देखें तो 2 ऐसे साल थे जब रुपी काफी एप्रिशिएट भी हुआ है। सो एकदम अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं कि आज यू नो अच्छा है और मैं साल डेढ़ साल में निकाल लूंगा, ऐसा हो सकता है कि रुपी का कोई एडवर्स मूवमेंट हो आपका एंड यू नो रिटर्न्स इन रुपी टर्म्स कम हो जाएं। सो डेफिनेटली जब आप बाहर पैसा लगा रहे हैं और टाइम होराइजन मस्ट बी लॉन्ग, आप बहुत कम टाइम के लिए यू नो इट विल बी मोर लाइक अ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, सो वो ना करें, गोल बना के फॉर लॉन्गर टाइम होराइजन ही पैसा लगाएं। एंड आई थिंक थर्डली जो बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने की, क्या रूट लेना चाहते हैं। सी पैसिव इन्वेस्टिंग इज इजियर टू अंडरस्टैंड, बाहर का एक यू नो मार्केट इंडेक्स कोई है जो उसको ट्रैक कर लिया। अगर एक्टिव फंड लेना चाहते हैं तो ये जरूर समझें कि वो एक्टिव फंड उनको क्या अलग ऑफर कर रहा है। अगर एक्टिव फंड जाके लेट्स से यूएस मार्केट से पूरा पैसा लगा रहा है देन प्रॉब्ली यूएस इंडेक्स फंड इज गुड इनफ, बट लेट्स से अगर वो एक्टिव फंड उनको कुछ पार्ट यूएस का एक्सपोजर दे रहा है, कुछ चाइना का, कुछ यूरोप का, देन मे बी दैट एक्टिव फंड इज वर्थ यू नो द हायर एक्सपेंस रेशियो दैट दे आर गोइंग टू पे। So based on these criteria, फिर अपना exposure बाहर का बनाए and I think it's good for investors to definitely invest outside India, but overdo भी ना करें, overall अपने present portfolio को check करके फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो ओवरडू नहीं कीजिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर रहना चाहिए लेकिन ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन, क्योंकि कई भारतीय ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी विदेश की कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, तो ये सारे चीजों को आप जरूर देखिए और तभी इंटरनेशनल फंड की तरफ कदम बढ़ाइए। थैंक यू सो मच प्रवीण, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए और इस टॉपिक को इतनी सरलता से समझाने के लिए। बाय बाय प्रवीण, थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ कि इंटरनेशनल फंड को लेकर हम कुछ क्लैरिटी और आपको दे पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी। कोई मन में सवाल है तो वो भी भेजिए, हम उसे भी जवाब देंगे अपने हेल्पलाइन के शो में। और मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोज आपसे कभी मिस ना हो।